बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज फिर हेडलाइन में आए। एमपी के शहर टीकमगढ़ में बाबा ने दिव्य दरबार लगाया। अपने दरबार में बाबा ने आज हिंदू राष्ट्र की नई डेडलाइन दी। बाबा ने आज इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। पिछले एक हफ्ते से देश के कुछ मौलाना जबरदस्त माहौल बना रहे थे। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर को लेकर बड़े तीखे बयान आ रहे थे, लेकिन इसके जवाब में बाबा ने अपने मुस्लिम फैंस को ही कथा पंडालों में बुला लिया। हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने बाबा का वेलकम किया। इससे कितने मौलाना बेचैन हुए, किसने क्या कहा, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दो चार साल और आप साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे। चिंता मत कर, हमारे हनुमान जी काफी हैं। हाँ, और इसी बात पे तो दिमाग खराब है कईयों का, पर हम फिर कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र था, है, घोषित होकर रहेगा। काऊ में दम हो तो रोक ले। पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड, फिर राम राज्य के लिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की डिमांड, गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देने वाला बयान, और अब दो चार साल साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे वाला ऐलान। बाबा का ट्रैक एकदम क्लियर है। हिंदू ही नहीं, अब तो मुसलमान भी बाबा का फैन है। बागेश्वर धाम के इन्हीं बयानों ने मौलानाओं की नींद उड़ा दी है। मुस्लिम मोहल्लों में मौलाना बाबा के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, बाबा के खिलाफ फरमान जारी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा सनातन में सबका वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके, कोई नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र का सवाल नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है। जब आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि डीएनए एक है, सब हिंदुस्तानी है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू, धर्म हिंदू है या हम हिंदुस्तानी की हैसियत से हिंदू है। हिंदू राष्ट्र है, और इस किस्म की जो बातें करते हैं, मैं ये समझता हूं कि उनके ऊपर अगर देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये हुकूमत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। आने वाला वक्त, इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। उस महाभारत से हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया है। खैर, उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप की बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर के इन्हीं डायलॉग्स ने पिछले दो महीने में बाबा के फॉलोअर्स को चार गुना कर दिया है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं।
लेकिन मुस्लिम क्यों है? इसी बात से मौलानाओं का बीपी हाई हो रखा है। वो खुलकर मुसलमानों को बागेश्वर धाम न जाने की एडवाइस दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने, इससे ईमान कमजोर होगा। बाबा का टारगेट क्लियर है, वो सब कुछ सनातनी मानते हैं। इसलिए जब मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बताया तो बाबा ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि मदनी को ही सनातनी बता दिया। बाबा ने कहा था ओम कुरान में तो नहीं है, कुरान में जरूर है, इसीलिए सनातन में मदनी का स्वागत है। मदनी भी है, आपने सुना होगा, वो बोल रहे हैं अल्लाह और ओम एक है, इस तरीके के बयान आए कैसे? उनको ध्यान आ गया है ओम कुरान में तो है नहीं, पुरान में है। उन्हें ध्यान आ गया कि वो भी पूर्वज उनके सनातनी थे। अच्छा। तो स्वागत है उनको, आने दीजिए सनातन में। बाबा के ऐसे बयानों के चलते ही देश में हिंदू राष्ट्र और सनातन वाली बहस छिड़ी हुई है। बाबा अपने बयानों पर कायम है, लेकिन भाईजान को इस बात पर ऑब्जेक्शन है। ओवैसी बाबा पर एक्शन की डिमांड डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं वो संविधान के दुश्मन है, जो लोग मांग कर रहे हैं वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश जो रिलीजन को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करता है। तो अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, जस्टिस को, सेकुलरिज्म को, जो इस भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और भारत के प्रधानमंत्री को इन लोगों को रोक टोक लगाने की ज़रूरत है। अब हिंदू राष्ट्र के साथ साथ खालिस्तान की भी बात हो रही है देश में। ओवैसी को अच्छे से पता है बाबा जो कर रहे हैं उसका सीधा पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर की कथाओं में आने वाली भीड़ से एमपी के अंदर बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। इसलिए एक के बाद एक बीजेपी नेता बाबा को अपनी विधानसभा में बुलाकर दिव्य दरबार लगवा रहे हैं, कथाओं का पंडाल सजा रहे हैं। आप लोग अगर हमसे पीछा भी छोड़वाना चाहो तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा पीछा, लो कर लो क्या करते हैं। तुम अगर दरबार में पर्चा नहीं बनेगा तो तुम घर भाग जाओगे कि अब नहीं आना है लौट के, गुरुजी मिलते ही नहीं, हम तुम्हारे मोबाइल पे यूट्यूब पर आ जाएंगे, लो भागो। अच्छा, तुमने अगर यूट्यूब बंद कर दिया तो हम तुम्हारी फेसबुक पे आ जाएंगे, वो भी बंद कर दे, तुम टीवी चलाओ हम संस्कार पे आ जाएंगे, तुम टीवी चैनल बदलो, न्यूज लगाओ, हम न्यूजन में आ जाएंगे। तब भी तुम ना मानो हम फिर से कथा कर भी आवी, और तब भी तुम हमारा पीछा छोड़वाओगे हम तुम्हारे सपने में आवी, लो बचो, फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। जब सपने में भारी हाथी भारी शेर दिखाए और बीच में हम चमी डाली और तुम रात की अकेली परी हो, 20-25 भूत खेल रहे हो, फिर क्या करो? सुबह से जय हनुमान ज्ञान मंत्र, सुबह से कहोगे घर वाई से चलो बागेश्वर धाम। अब तुम में होए तलो, तुम पीछो छोड़वाओ हम आओ, हम नहीं छोड़वा ले बारे, जब तक हमने तुम्हें हनुमान जी का नहीं बना दिया तब तक हम पीछा नहीं छोड़। बाबा इस वक्त एमपी के टीकमगढ़ में भक्तों को कथा सुना रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं। बुंदेलखंड और महाकौशल के लिए बाबा का अगला प्रोग्राम भी फिक्स हो गया है। टीकमगढ़ के बाद बाबा निवाड़ी में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। इसके बाद दमोह में बाबा का दरबार सजने वाला है और फिर बुंदेलखंड से निकलकर बाबा महाकौशल के जबलपुर में 7 दिन की कथा सुनाने वाले हैं। बाबा बागेश्वर इस वक्त बीजेपी के नेताओं की पहली पसंद बने हुए हैं।
क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी के नेताओं को फाइट टाइट मिली थी, अब बीजेपी के नेता 2023 के चुनाव में वही हालात फिर नहीं चाहते। बाबा बागेश्वर का प्रभाव बुंदेलखंड के साथ साथ बघेलखंड और महाकौशल में भी लोगों की पसंद बना हुआ है। बाबा बागेश्वर इस वक्त टीकमगढ़ में प्रवचन कर रहे हैं, इसके बाद निवाड़ी में भी जाएंगे, दमोह में भी कार्यक्रम है और जबलपुर के पनागर में 7 दिनों का प्रोग्राम बाबा बागेश्वर का फिक्स है। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने 4 निर्दलीय, 2 BSP और 1 SP के विधायक को मिलाकर सरकार बनाई थी, लेकिन 15 महीने बाद ही कमलनाथ सिंधिया की बगावत के चलते सत्ता से बेदखल हो गए थे। बाई इलेक्शन में सिंधिया खेमे के अधिकतम बागी जीते थे और बीजेपी 109 से सीधे 127 सीटों पर पहुंच गई थी और कांग्रेस 114 से 96 सीटों पर आ गई थी। लेकिन अब लड़ाई 2023 की है। सिंधिया के दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को डर इस बात का है कि कहीं सत्ता हाथ से ना निकल जाए और ऐसे में बाबा के अंदर बीजेपी को उम्मीद की किरण नजर आई है, इसलिए बीजेपी नेताओं के साथ सरकार इस वक्त बाबा के आगे दंडवत है। 2018 में बीजेपी की सरकार 15 सालों के बाद गिर गई थी और कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन महज 15 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार सिंधिया के विद्रोह के चलते गिर गई और बीजेपी की सीटें सीधे 109 से 127 पर पहुंच गईं। यही वजह है कि कमलनाथ को 2023 के चुनाव में भारी कॉन्फिडेंस मिलता दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी बाबा के शरण में दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ जिला जहां इस वक्त बाबा मौजूद हैं, वहां की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। निवाड़ी जिले की 2 विधानसभा सीट निवाड़ी और पृथ्वीपुर पर बीजेपी का कब्जा है। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 सीट बिजावर पर SP का कब्जा है। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पथरिया पर BSP का कब्जा है। पन्ना जिले की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। सतना जिले की 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। रीवा जिले की 8 सीटों में से 8 पर बीजेपी का कब्जा है। कटना जिले की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। जबलपुर जिले की 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। भोपाल जिले की 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। दतिया जिले की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। अशोकनगर जिले की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। ये वो जिले हैं जहां बाबा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। फिलहाल इन जिलों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस बीजेपी के इन्हीं मजबूत किलों में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर रही है। बड़ी बात है कि बाबा खुलकर किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस ट्रैक पर बाबा चल रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा मिलना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।